सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री चुनमुन गर्ग, चुनमुन किराना स्टोर, चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद, चुनमुन किराना स्टोर होलसेल, साइट फॉर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री योगी पर भगवा चोला पहनने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका को भगवा और भगवा धारण करने के बारे में पता ही नहीं है, वो नहीं जानती कि भगवा धारण करना कितनी बड़ी बात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और भगवा रंग पर टिप्पणी कर प्रियंका गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। कि आपकी मानसिकता किस प्रकार की है, योगी जी के बारे में तो कहूंगा कि हाँ धर्म को धारण करने वाले हैं और धर्म का चोला इस प्रकार से पहना है कि हम वो हिंदू धर्म सिखाते ही नहीं है कि किसी का हित करो। हिंदू धर्म में किसी अन्य धर्म के अपमान की बात ही नहीं है। सबका संरक्षण करो, विश्व का कल्याण करो, मानव का कल्याण हो। उसमें मानव एक नहीं होता, मानो तो हिंदू भी, मानो मुसलमान भी, मानो हिंदुस्तान में रहने वाला भी, मानो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रहने वाला भी, अमेरिका में भी रहने वाला। इतना विशाल हिंदू धर्म है ये, और उसको आप कह रहे हैं कि धारण करने वाला व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। यानी आपने मुख्यमंत्री के साथ साथ भगवा को भी आपने आरोपित कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व सपा इस समय 2020 मैच खेलना चाहते हैं। उपचुनाव में भाजपा ने 12 में से 9 सीटें हासिल की, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। दिनेश शर्मा ने कहा कि धारा 144 का उल्लंघन, विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। आप कभी चंद्रशेखर आजाद को खड़ा कर देते हैं, कभी एक ही वोट बैंक सपा को लगता है कि कांग्रेस ना चली जाए तो सपा उससे ज्यादा कड़वे शब्द बोलने लगती है। जब लगता है कि सपा ज्यादा कड़वे शब्द बोल रही तो उससे भी ज्यादा कड़वे शब्द बोलते बोलते भगवा पर आ जाते हैं कांग्रेस के लोग। मैं समझता हूँ इससे बचना चाहिए, और ये आज की जो उनका वक्तव्य है मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। उनको अपने उस बारे में बोलना चाहिए था कि उन्होंने सीआरपीएफ की बात क्यों नहीं मानी। उनको ये बताना चाहिए था कि सीआरपीएफ को कवर होते हुए उसको सूचना क्यों नहीं थी। उनको ये बताना चाहिए था कि जो उनका नियत कार्यक्रम था उस नियत कार्यक्रम के बजाय उन्होंने अपना प्रोग्राम अचानक चेंज क्यों कर दिया। उनको ये बताना चाहिए था कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, उसमें लाइसेंस नहीं था, उसमें कागजात नहीं थे। उनको बताना चाहिए था, वो कहते हम जुर्माना भर देंगे। अरे आप कानून तोड़ोगे और कानून के बाद में उसका सीना जोरी भी होगा कि मैं ऐसा कर दूंगी। आपने कानून को भंग क्यों किया? कानून को भंग करने के बजाय बाद आप योगी जी को कानून का भंग कैसे कह सकते हो? विपक्ष के नेता शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, कहा कि जनता ऐसी कोशिशों का जवाब देगी। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और ये संविधान के खिलाफ नहीं है। उनको अधिकार देने की बात हमारी सरकार ने किया है, इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ है। जो मुस्लिम बंधु के संबंध में एक भी शब्द इसमें नहीं कहा गया, क्योंकि किसी प्रकार के एक छोटे से अधिकार का भी कहीं से हनन किया गया है। इसके बजाय पूरा ही सरकारी पढ़े लिखे हैं, धारा 144 लगी है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? आप उपद्रवियों को, कांग्रेस के बड़े नेता क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके पक्ष में खड़े होकर आप प्रदर्शनकारियों के जो शांतपूर्वक है उनके पक्ष में खड़े हुए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जो आग लगा रहे हैं, जो राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पक्ष में अगर आप खड़े होते हैं तो आपके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपकी मानसिकता किस प्रकार की है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ दौरे के तीसरे दिन प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने भगवा रंग धारण किया है, उन्हें इसका महत्व समझना चाहिए। भगवा उनका निजी रंग नहीं है, बल्कि भारत की परंपरा का प्रतीक है।
हमारी परंपरा में बदला या हिंसा का कोई स्थान नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बदला लेने की बात करते हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है, ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है, उस धर्म को धारण करिए। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ अनिल सैनी, टाइम 24 न्यूज। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री चुनमुन गर्ग, चुनमुन किराना स्टोर, चौधरीवाड़ा सिकंदराबाद, चुनमुन किराना स्टोर होलसेल, साइट फॉर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।